क्या खासियत क्या रही इस मूवी की, बात करना चाहोगे तो विवेक ओबेरॉय भी है, कंगना भी है, नो इन द बिगनिंग द वे दे created the Kal character, it was very interesting. The moment after the operation bone marrow thing, it was not that interesting, and I give more marks to Krish 2, but I was expecting more in Krish 3, but it, for me it is disappointing. मूवी अच्छी लगी, लेकिन क्रिश 2 जो जैसी लगी थी मुझे वैसे नहीं, टेक्निक ज्यादा यूज किए हुए हैं, तो बच्चों के लिए काफी अच्छी मूवी है. वेरी बोरिंग, वेरी बैड. ओके, क्रिश 2 के जो फ्रेंड क्रेजी था, तो क्या इस मूवी में ऐसा क्या कमी थी जो आपको बोली? नो, एक्चुअली सम फ्यू सीन्स वेर टू लेंथी, और विवेक ओबेरॉय को बहुत ज्यादा काम दिया है, एंड लाइक कुछ सीन्स बहुत लंबे हैं, जो यू नो यू आर नॉट एबल टू सिट ऑन, लाइक यू नो काफी लेंथी उसकी खलती है, लाइक यू नो आई जस्ट डोंट नो. इट वाज ओवरऑल आई कैन से वन थिंग के पिक्चर उतनी खास है ना, बच्चों को तो आई डोंट थिंक सो, बच्चे आज के तारीख में बहुत ज्यादा स्मार्ट है बड़ों से भी, आई डोंट थिंक सो कि सब बच्चों को पसंद आएगी. पहला दिन है देखो. बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, आज के डेट में देखना बच्चों के लिए अच्छी है. ऋतिक कैसा लगा, एक्टिंग कैसी लगी? ऋतिक बहुत कमाल है, और विवेक ने भी बहुत अच्छा काम किया. फिर से देखने लायक मूवी है, पैसा वसूल है. हाँ, एक दो बार देखी जा सकती है. पैसा वसूल कहा जाता है? पैसा वसूल. कैसी लगी मूवी? ठीक थी, वन टाइम वॉच. क्रिश था एक अलग कंसेप्ट था, शायद इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, तो कितना अलग लगा इस बार? एक्चुअली फिल्म में ऋतिक की एक्टिंग मुझे थोड़ा ठीक लगी, अच्छी थी, बल्कि अच्छी थी, और फिल्म का VFX मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग कैसी थी? ठीक थी. कंगना? एक्टिंग तो खैर ठीक थी, बट कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, लास्ट में क्या दिखाना चाह रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में. फिर से देखने एक मूवी है, पैसा वसूल है, वन टाइम वॉच. कैसी लगी मूवी? फिल्म अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी. दो फिल्म एक्समैन से काफ़ी इंस्पायर्ड है, काफ़ी कैरेक्टर्स आपको एक्समैन सीरीज की याद दिला देंगी, बट एंटरटेनिंग थी ओवरऑल. एक्टिंग कैसी लगी विवेक ओबेरॉय रहते? विवेक इज़ वेरी गुड इन द फिल्म, ही इज़ प्लेइंग विलन फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज़ आउटस्टैंडिंग. ऋतिक की बात करें, ही इज़ एज यूजुअल. हाउज़ कंगना? कंगना इज़ ऑसम, बहुत स्टनिंग लगी फिल्म में, और उनका जो रोल था रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग था. और प्रियंका, शी इज़ लाइक ओके. सबसे अच्छा क्या लगा मूवी में? मूवी में ओवरऑल द कैरेक्टर्स थे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे, और स्टोरी लाइन काफ़ी कन्विंसिंग थी. फिर से देखने जैसी मूवी है अब पैसा वसूल? सिर्फ मैं एक ही बार देख चुकी हूँ, बस अब पूरा सस्पेंस निकल चुका, मज़ा नहीं आएगा दोबारा देखने. थैंक यू.